दीदी मैंने आपको मैसेज तो किए थे वो रूल्स जो करवा चौथ पे नहीं करने होते। नहीं मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया। अब कुछ नहीं अक्षरा, गलती से हो गया, भगवान जानते हैं। फिर भी दादी क्या रूल्स थे बताइए तो। कुछ खास नहीं, ये नियम ना इसलिए बनाए गए हैं ताकि आज के दिन सारी औरतें आराम करें और कोई काम न करे। अच्छा भाभी ये तो हम सोच रहे हैं, पर रूल्स तो सोच समझ के बनाए गए होंगे ना। ठीक है जसमीत बेटा, नियमों का पालन करना जरूरी होता है, पर अनजाने में अगर किसी से भूल हो जाए तो इस तरह से शब्द कहकर उसका मनोबल कम नहीं करना चाहिए। अब देखो ना पूरा दिन उसे चिंता लगी रहेगी। वाव, आपका घर कितना सुंदर लग रहा है। राधे कृष्ण। अरे जमाई साहब। राधे कृष्ण। हेलो दीदी। हेलो फूफा जी। राधे कृष्ण। नैतिक आपकी तो जरूरी मीटिंग थी ना। हाँ वो एक्चुअली नक्ष ना जिद कर रहा था कि मामा के पास जाना है, तो मैंने उसे स्कूल से पिकअप किया और ड्रेस भी चेंज करवा दी और ले आया यहाँ पर। अच्छा पापा आप मुझे स्कूल से जल्दी भी लाए और झूठा झूठा मेरा नाम भी लगा रहे हो। क्या नक्ष, एक्चुअली मुझे मीटिंग के लिए जाना था ना और फिर मामा तो यहाँ पर थी, आपको स्कूल से कौन लेकर आता, इसलिए पहले ही लेकर आ गया। बस बस नैतिक जी और सफाई मत दीजिए, हम लोग समझ चुके हैं जो हमें समझना था। जमाई साहब बिराजिए ना। जीजू मैं आपके लिए करवा स्पेशल जूस लेके आती हूँ। हाँ। आई वैसे नैतिक एक बात बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं ऐसे लेडीज के बीच में, आपका यहाँ क्या काम, रुकू को यहाँ क्यों लाए हैं, उसे घर पे छोड़ देते, शाम को आ जाता भाभी माँ छोटी माँ के साथ। अगर उसे मैं घर पे छोड़ देता तो फिर यहाँ आने का मेरे पास बहाना क्या बनता, और आपको कैसे देखता मैं। अच्छा आपने खाना खाया? आपको मीटिंग के लिए देर हो रही है नैतिक, चलिए उठे उठी जाइए। उससे भी ज्यादा जरूरी ना मेरा यहाँ पर रहना है। एक्सक्यूज मी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप सब लोग प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है राइट, फिर चाहे उसके लिए पत्नी की खराब तबीयत और खराब हो जाए। अक्षरा की तबीयत परसों से ठीक नहीं है, बहुत खराब है, और मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने ये व्रत रखा है। आज मैं उनका यहाँ पे व्रत खुलवाने आया हूँ। नैतिक अब तो थोड़ी देर और है। अक्षरा सुबह से अब तक तो आपने व्रत रख ही लिया है ना, अब तक तो भगवान भी इम्प्रेस हो ही चुके होंगे, अब आपको खाना खाना चाहिए और उसके बाद दवा। अच्छा आप लोग ही बताइए क्या ये ठीक बात है कि पति की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए पत्नी अपनी जान दांव पे लगा दे, मुझे उनकी तबीयत की चिंता है, मैं ऐसे नहीं देख सकता उनको। और मैं भी ये व्रत नहीं तोड़ सकती क्योंकि मैं आपकी सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। और मैं आपकी सेहत के साथ रिस्क ले सकता हूँ, आपको मेरी सेहत की पड़ी है ना, तो अक्षरा व्रत कभी और रख लेंगे किसी और दिन जब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी, हम दोनों साथ में व्रत रख लेंगे। अक्षरा देखिए ये सारे दिन ना भगवान के बनाए हुए हैं, ऐसा तो है नहीं किसी एक दिन व्रत रखा तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे और बाकी दिन काम। अब हो गया ना नैतिक, बस कीजिए अब रख लिया ना व्रत प्लीज। मैं आपसे प्लीज कहता हूँ, आपने मेरे लिए व्रत रखा था, प्लीज इसे खोल दीजिए ना। देखिए प्यार में भावना जरूरी है लेकिन बंधन नहीं। नैतिक मैं जो कर रही हूँ मन से कर रही हूँ, किसी बंधन की वजह से नहीं। जब मेरे हाथ से व्रत खुलना है तो आप ये सोच लीजिए ना कि मैं अभी खुलवा रहा हूँ। माँ दादी प्लीज आप लोग कुछ कहिए ना। बेटा जिसके लिए व्रत रखा है उसे नाराज किया तो व्रत रखने का क्या फायदा। जमाईसा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, प्रेम और शुभेच्छा दिखाने के लिए कोई खास दिन नहीं होता, ये किसी दिन भी दिखाया जा सकता है। जा बेटा फल लिया। बैठिए। अक्षरा प्लीज मेरे लिए खा लीजिए। हाय रब्बा। ये हुई ना बात। मैं अपनी पत्नी को आप लोगों की जिम्मेदारी पर छोड़कर जा रहा हूं, आप लोग प्लीज उनका ख्याल रखिएगा, और अक्षरा खाना खाने के बाद आप दवा खा लीजिएगा, मैं शाम को आता हूँ ओके।
राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक। अरे बाप, दीदी को बस नहीं खोलना चाहिए था, देखा आप लोगों ने। जस्मीन, बेकार में ऐसी बातें सबके दिमाग में मत भरो। जी वो सीढ़ी में थोड़ा सा पैर फिसल गया था इसीलिए मैं गिर गया, और कुछ नहीं। और ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। पापा, वहां से थोड़ा ब्लड भी निकल रहा है। नैतिक, अक्षर कुछ नहीं हुआ है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं कुछ लगा लूंगा। नहीं नहीं, दवाई दवाई लगा ली। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके अक्षर, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, आप चलिए मेरे साथ, चलिए। ये क्या कहा तुमने जस्मी? जरा बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। तो कुछ गलत भी नहीं कहा है अंशु, चीजों ने इस व्रत की मान्यता को जाने बिना दीदी का व्रत खुलवा दिया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम आदमियों की, छोटी छोटी बातें नहीं समझते। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सुबह से ताने क्यों दिए जा रही हो मुझे? मुझे पहले बताओ बात क्या है। कहा ना, कुछ नहीं है। जस्मीन बोलो, तुम मूवी देखने जा रहे हो ना फ्रेंड्स के साथ? मैं यहाँ पे तुम्हारे व्रत रख के बैठी हूँ और तुम उनके साथ? हे भगवान यार, जस्मीन तुम भी ना, हमें बता रही थी ना कि आदमियों को कुछ समझ में नहीं आता, जरा अपनी समझ देखो। इतनी छोटी सी बात पे नाराज होके बैठी हो, हद है यार। ज्यादा दुख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, जरा सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। लेकिन देखिए आप कैसे परेशान हो रही होंगी। नहीं क्या, सच कहूं तो नैतिक, मुझे व्रत नहीं तोड़ना चाहिए था। अक्षरा क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलिए सोच लेते हैं कि जो कुछ भी हुआ है ना उसी वजह से हुआ है, तो फिर आपकी गलती की सजा मुझे क्यों देंगे भगवान जी? व्रत आपने तोड़ा है ना, तो फिर जो भी आपको लगनी चाहिए। बेवकूफी वाली बातें मत कीजिए अक्षरा, जस्मी तभी छोटी है, उसे समझ नहीं है, जो मन में आया उसने बोल दिया। कम से कम आप तो समझदारी की बातें कीजिए। हर चीज में समझदारी काम नहीं आती है नैतिक, कभी कभी प्यार और जहाँ प्यार होता ना अक्षर, वहाँ पे इन चीजों की कोई जगह नहीं होती है। चार साल जब आपने तरह तरह की तपस्याएं की है मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा देने की जरूरत है। आप मुझे ये बताइए कि आपको किस पे भरोसा नहीं है, अपने आप पर, मुझ पर, हमारे प्यार पर? क्या कर रही हो देवयानी? कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो, दिखाओ। अरे वाह, बहुत सुंदर है, लगाया करो ना। पुराने जमाने में सुहागने हमेशा ये सब सिंगार किया करती थी, अब तो बस व्रत त्योहार के दिन ही करती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाभी माँ, जो चाहकर भी नहीं लगा पाते। मुझे भी पहले बहुत शौक था मेहंदी लगाने का, पर इस डर से नहीं लगाती थी कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, जब चाहे लगा ले। फलक शरा भी यही कह रही थी। अरे हाँ, मैं तो उसका भूल ही गई, उसने भी लगाई है ना? हाँ भाभी माँ, वो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखती है। भगवान करे करिश्मा भी ये सब। वो भी रखेगी, बस उसकी शादी हो जाने दे। आज मेरा बहुत मन था भाभी माँ कि मैं खुद उसके हाथों पे मेहंदी लगाऊं, पर अब ऐसे बुरा नहीं मानते दिव्यानी, वो भी तो काम करिए ना। जब मुन्ना का काम बहू ने संभालना शुरू किया, तब जाके हमें एहसास हुआ कि हम हमारे बहू बेटियों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखते हैं। नई नई जिम्मेदारियां तो डाल देते हैं उनके ऊपर, लेकिन पुराने बंधनों से उनको आजाद नहीं करते। मेहंदी लगानी है या नहीं लगानी है उसकी मर्जी होनी चाहिए, है कि नहीं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मीटिंग के लिए देरी हो रही। कैंसिल नहीं हो सकती है क्या? अगर आप प्यार से कहती तो शायद हो भी जाती, लेकिन डर की वजह से नहीं। जमाई साहब। जीजू, लगी क्या आपको? नहीं नहीं, ठीक हो। सॉरी पापा। इट्स ओके। ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने व्रत नहीं तोड़ा होता तो ये सब नहीं होता। ओके थैंक यू। आंखों के हॉस्पिटल से फोन था, अक्षरा ने फोन किया था ना आपके ऑपरेशन की डेट के लिए, कल की डेट में ली। हे भगवान, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी दिख रहा है मुझे। वो कब जाना चाहती है, जब बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाए? नहीं नहीं,
मेरा ये मतलब नहीं था, बस ये त्योहार के दिन खत्म हो जाए फिर सोच लेंगे। पर इनको भी और कोई नहीं मिला, बस मैं ही मिली ऑपरेशन के लिए। भाभी माँ वो चाहते हैं कि जब आप दिवाली की शॉपिंग करने जाए ना तो पूरे स्टाइल में जाए, यू नो काला चश्मा एंड ऑल। हाँ हाँ बिल्कुल, फिल्म की हीरोइन की तरह, है ना। अक्षरा क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी देर से हम लोग यही तो बात कर रहे थे और फिर से आप वहीं पहुंच गई जहां से हमने बात शुरू की थी। खैर छोड़िए, मुझे ये समझना चाहिए था, गलती मेरी है। अगर आप एक बार एक चीज सोच लेती हैं उसे बदलना तो नामुमकिन है। ठीक है, आपको जो सोचना है आप सोचिए, मैं यहाँ से सीधा ऑफिस जा रहा हूँ और वहां से घर चले जाऊंगा। आप रद्द करके वहीं पे आ जाइएगा। आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि रास्ते में मुझे कुछ हो जाएगा इसीलिए। देखिए अक्षरा, मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ तो आप भी मुझ पे जबरदस्ती नहीं मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा हक है। और मेरा कोई हक नहीं है। आपको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही अक्षरा, अगर गलती आपकी होती तो सजा भी आपको ही मिलती ना, लेकिन चोट मुझे लगी है। व्रत आपने नहीं तोड़ा है, मैंने कहा है, मैंने तोड़वाया ना आपसे। वो सब मैं नहीं जानती हूँ, गलती किसकी है ये हम बाद में देखेंगे, अभी आप ऑफिस नहीं जाएंगे बस। अक्षरा कभी कभी ना आप बेतुकी जिद करती हैं। क्या जिद है इसमें नैतिक, आप तो ऐसे ही। आप जरा बात को। हे भगवान तुम ठीक तो हो? ये आज क्या हो रहा है हमारे घर में? अंजुमन तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस बाजू पे लगी है थोड़ी। अब कोई जवाब है आपके पास? भाई जसमीत ने तो पूरी श्रद्धा से विधि विधान के साथ ये व्रत रखा था ना, तो फिर अंशु क्यों गिरा? और वो भी उसी कोन पे, शगुन का कोन है ना, जिससे जसमीत मेहंदी लगा रही थी। बोलिए कोई जवाब है आपके पास? वाओ बेब्स, तुम तो बहुत गॉर्जियस लग रही हो। बट यू नो व्हाट, एक प्रॉब्लम है, अगर तुम इतनी चमक धमक के वहां जाओगी ना तो सबको शक हो जाएगा कि तुमने व्रत नहीं रखा है, इसलिए थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि दिन भर भूख के मारे तुम्हारी जान निकल रही हो। हाँ आफ्टर ऑल पहली बार व्रत रखा है। I know, poor me. अच्छा चलें, मॉम वेट कर रही होंगी। ये अच्छा है, व्रत मैंने रखा है और चिंता तुम्हें मॉम की हो रही है। क्योंकि तुम्हारा व्रत नकली है और मॉम का इंतजार असली। अब चलें। नमन तुम हमेशा अपनी मॉम को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे ना। अब ये बात कहाँ से आ गई करिश्मा? यार राइट, कोई कैसे कंपेयर कर सकता है ना तुम्हारी मॉम से नमन, आखिर निकले ना तुम भी वही टिपिकल टाइप्स लड़के। करिश्मा आई थिंक तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा यार। हाँ तुम कहाँ कुछ कहते हो, वो तो मैं ही हूँ ना जो ढूंढ ढूंढ के प्रॉब्लम्स निकालती हूँ। फॉरगेट इट नमन, मैं क्यों आर्ग्यू कर रही हूँ, क्योंकि बात तो कभी तुम मानोगे ही नहीं। गॉश करिश्मा, हाउ कैन यू इवन से दिस, मैं हर बार तुम्हारी हर बात मानता हूँ और तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। तुम क्या कर रहे थे, एक तो तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए करवा चौथ का ड्रामा करो, ऊपर से ये सब बातें भी सुनो, राइट? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। करिश्मा, करिश्मा लिसन, करिश्मा। अक्षरा, आपका प्यार मेरी ढाल है, मेरा सुरक्षा कवच है। जब तक आप मेरे साथ है ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। अरे मौत के मुंह से आप मुझे छीन के ले आई थी, तो फिर क्या अब आपको उसी प्यार की शक्ति पे भरोसा नहीं रहा? अक्षरा आपका प्यार मेरे साथ था इसलिए मैं बच गया, नहीं तो जब मेरा पैर फिसला था तो थोड़ा और जोर से गिर सकता था। जब फ्लाइंग डिस्क आई थी, लगी थी सर पर, तो अगर थोड़ी सी नीचे और लग जाती शायद आंख टूट जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि हर पल आपका प्यार ही मेरी रक्षा कर रहा था। और अब आप उसी प्यार को। अक्षरा मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होता है ना, वो हमेशा आपकी वजह से ही होता है। चलिए, हमारी वजह से ना सब लोग बहुत परेशान हैं, नीचे चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने आ रही है ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, प्लीज उनका स्वागत कीजिए क्लैपिंग। क्या हुआ भाई, चलिए ना। हाँ चल मैं आता हूँ, गो आई जस्ट कम।
पता नहीं आएगी या नहीं, अगर गुस्से में नहीं आई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मैं सबसे कहूंगा क्या? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अच्छा हुआ तुम यहाँ आई, बहुत खुशी हुई मुझे। वैसे तो बहुत नाराज हैं हम आपसे, लेकिन जो बात सच है वो तो सच है। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। वैसे तो आज के दिन रूठे हुए पति को मनाने की मनाही होती है, लेकिन जो बात सच है वो सच है जी। सुबह वाली बात के लिए मैं सॉरी हूँ। मनाई है तो फिर मना क्यों रही? आपके लिए व्रत, और आप ही नाराज हैं। व्रत फलेगा कैसे? तुम्हारी बहू बहुत सुंदर लग रही है दिव्यानी। हाँ भाभी माँ, आपने देखा उसने मेहंदी भी लगाई है। मैंने तुझे कहा था ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ नमन, मुझे लाइफ में और ड्रामा नहीं चाहिए था इसलिए आई हूँ। बहू, तेरी थाल कहाँ है? नैतिक की जिद के आगे मेरी कभी कोई चली है भाभी माँ? लो, जिसे नहीं रखना था उसे जबरदस्ती रखवा दिया, और जिसे रखना था उसका तोड़वा दिया। अजीब लोग हैं। क्या हुआ जिसमें, नहीं उठा रही? आप लोग किसको फोन कर रहे हैं काकी? सब लोग तो आ गए। वो पंडिताइन जो कथा सुनाने वाली है ना, वो आई नहीं अब तक। ये क्या बात है, कभी ढोलक वाली नहीं आ रही है, कभी पंडिताइन नहीं आ रही, ये कैसा अरेंजमेंट है तुम्हारा जसमीत? की होया जसमीत, की कहंदी है पंडिताणी? हाय मम्मा, वो तो फोन ही नहीं उठा रही है। तो कोई बात नहीं है ना जसमीत, हम खुद ही कर लेंगे। मम्मा, ये व्रत आप लोगों ने अपने हस्बैंड के लिए रखा है ना, बच्चों के लिए कोई व्रत क्यों नहीं रखते? रखते हैं ना, कहीं संतान सप्तमी, कहीं अहोई अष्टमी, उसमें बच्चे फास्ते रखते हैं। नहीं बेटा, मम्मा रखती हैं अपने अपने बेबीज के लिए। आप सबके लिए फास्ट रखती हो मम्मा, हमें भी तो फास्ट रखना चाहिए ना आपके लिए। बात तो सही कही चीकू ने, कि हम सब बच्चों के लिए भी कोई ऐसा व्रत होना चाहिए जो हम अपने माता पिता के लिए रखें। इसके लिए किसी खास दिन की क्या जरूरत है बेटा, जब मन में आए तब रख लो। देखो आज जो नियम है, पहले कभी रीति रिवाज रहे होंगे, और ये रीति रिवाज किसी ने तो शुरू किए होंगे ना, तो क्यों ना हम भी कुछ नए सिरे से शुरू कर दें। राधे कृष्ण। अक्षरा दी, कहानी शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। सात भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम था वीरा। करिश्मा के हाथ की मेहंदी इस तरह निकल कैसे रही है? मॉम, उसने टैटू या स्टिकर कुछ लगाया होगा। देखा भाभी माँ, आज के दिन भी ये लड़की असली मेहंदी नहीं लगा सकती थी, शगुन के लिए ही लगा लेती थोड़ी सी। दिव्यानी, अब ये सब सोच के तू अपने मन को दुखी मत कर। तेरा मान रखने के लिए इसने मेहंदी लगाई है ना, वो सीधे साफ मना भी कर सकती थी, लेकिन उसने लगाई, बस इसी में खुश रहे। करिश्मा, क्या कर रही है? तेरे आगे दो दो थालियां रखी है, पास करना। करिश्मा, तुम्हारी सहेली ने ना आज ठान रखी है, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होने देगी।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।